अपनी सोच और रवैये के चलते हर बार अपने दामन में आतंक परस्त होने का दाग लिए घूमने वाला पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। अब तक उसका जो रोना कश्मीर और आतंकियों के मारे जाने तक सीमित था, अब वो अयोध्या के राम मंदिर तक जा पहुंचा है। पाकिस्तान ने एक बार फिर नापाक कोशिश करते हुए भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया है। पाकिस्तान ने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू करने के लिए भारत की आलोचना करने की हिमाकत की है। पाकिस्तान की इस हरकत पर अयोध्या के संत भड़के हुए हैं। इस मामले में संतों से लेकर विवादास्पद ढांचे के पक्षकार इकबाल अंसारी तक ने पाकिस्तान को हिदायत दी है। उन्होंने कहा है कि पाक हमारे अंदरूनी मामलों में दखल ना दे, नहीं तो हम इस्लामाबाद में भी एक राम मंदिर बनाकर रहेंगे। शायद ये जवाब सुनकर पाकिस्तान की बोलती बंद हो गई हो, लेकिन अब बार बार भारत के आंतरिक मामलों में पाकिस्तान का दखल देना उसके नापाक मंसूबों को ही उजागर करता है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि एक ओर जहां दुनिया कोरोना वायरस महामारी से जूझ रही है, वहीं आरएसएस बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे में व्यस्त है। अयोध्या में राम मंदिर की शुरुआत इस दिशा में एक और कदम है। यह दर्शाता है कि देश में मुसलमान को कैसे हाशिए पर रखा जा रहा है। पाकिस्तान सरकार और यहाँ के लोग इसकी कड़ी निंदा करते हैं। जो पाकिस्तान इस कोरोना काल में भारत में हो रहे निर्माण की निंदा कर रहा है, वही पाकिस्तान इस दौरान लगातार आतंकियों को तैयार कर भारत में भेजता जा रहा है। उसके भेजे और समर्थित आतंकियों को भारतीय सेना ने मौत के घाट उतारा है। उसकी बौखलाहट इस बात से जुड़ी हुई नजर आती है। और रही बात भारत में मुसलमानों की स्थिति की, तो यहाँ वो पाकिस्तान से ज्यादा बेहतर और सुरक्षित स्थिति में है। यहाँ तक कि ओआईसी की बैठक में भी अन्य इस्लामिक देशों ने भारत में रह रहे मुस्लिमों के लिए उठाए गए पाकिस्तान के मुद्दे को खारिज करते हुए उसे जमकर लताड़ा था। ये पाकिस्तान है जो दिन रात भारत के खिलाफ एजेंडा गढ़ने और अपनी साजिशों को अंजाम देने की फिराक में लगा रहता है। तो इस बार भले ही मंदिर का उसने मुद्दा उठाया हो, फिर भी उसके मंसूबे साफ साफ भारत के खिलाफ हैं। हालांकि इसके बयान के जवाब में भारत ने भी टिप्पणी की। भारत ने भी कई बार पाकिस्तान को उसकी हदें बताई हैं। अगर पाकिस्तान अब नहीं सुधरा तो अपनी दुर्गति का खुद ही जिम्मेदार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।